हालेलुया। खुदावंद के तमाम लोगों को आज हम दिल की गहराई से वेलकम कहते हैं आज की इंटरनेशनल हाउस ऑफ प्रेयर की इबादत में, जो इस वक्त तमाम दुनिया में देखा जा रहा है। और तमाम हाजरीन को, तमाम अपने मुकद्दसीन को, तमाम अपने बेटे बेटियों को जो इस जमात में मेरे साथ शरीक हैं, उन सब को हम दिल की गहराई से खुदा में खुश आमदेद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, क्योंकि आप सब भाग्यशाली हो जो खुदा के चरण में आए। और सबसे बढ़कर खुदा में खुदा रब्बुल फाज जो हमेशा आपका इंतज़ार करता है, हमेशा आपके साथ रहता है, और उसका गहरा अबर इस जगह पर छाया हुआ है। उसके शोलादान फरिश्तगान ने इस घर को घेरा हुआ है। एक एक कुर्सी को खुदा बाप तेरे प्रेशस खून में, इन तमाम कदसदीन को तेरे प्रेशस खून में, तमाम व्यूवर्स को, तमाम खुदा तेरे इंटरसेसर को जो दिल से तेरी पाक बारगाह में आए हैं, इन सब को तेरे तख्तगाह में देते हैं। इन सब के दिलों को, ख्यालों को, सोचों को कामर तौर पर अपनी तरफ लगा ले और इन्हें कोई दुनियावी ख्याल न रहे। और आज यकीन करें कि खुदा राजों को खोलने वाला, कुलत वाला खुदा, जो हर शख्स के सर से लेके पांव तक आपको नाम बनाम सब कुछ जानता है और आप सबके लिए सब कुछ करने में कुदरत वाला ख्याल है, कुदरत वाला खुदा है। जब हम उसके पास पूरे दिल से दुआ करते हैं तो उसका चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाता है, वो बड़े गौर से आपकी दुआ पर कान लगा लेता है और उसका दिल आपकी तरफ आ जाता है। वो आसमान से अपना दाने फरिश्ते, दाने आस्ते फरिश्ते भेजते, जा इनके साथ खड़ा हो जा। और खुदा खुद भी कहता है, उसने कहा कि यकीन जानो कि मैं यहाँ मौजूद हूँ और वो आपके हमारे दरमियान में मौजूद है। वो अपने फरिश्ते, उसके मिलियन फरिश्तों ने मुझे और आपको सबको घेरा हुआ है, इसलिए हम सब उसका शुक्र करते और हम सब खुदा के नाम को धन धन कहते, उसे मुबारक कहते कि तू अजीम है, तू महान है, तेरे जैसा कोई खुदा नहीं, तू ही कदूस है, तू ही रब्बुल फाज है, तू ही बादशाह का बादशाह, तू ही शहनशाह का शहनशाह। जो कोई भी तेरे कदमों में आता है खुदा बाप, तू अपना हाथ बढ़ा पगा उसे बर्तों से माला माल कर देता है। और हम सब तेरा शुक्र करते, हम सब तेरा दिल से शुक्र करते हैं। इस आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपने आप को खुदा खुदा के आगे उंडेल दें, अपने आप को खुदा खुदा के आगे बखेर दें, क्योंकि जब हम सच्चे दिल से उसकी बारगाह में आए हैं और हम सब बाप एक दिल एक रूह होके तेरे कदमों में झुकते, तुझे सीधा करते, तेरे तुझे धन कहते, तुझे मुबारक कहते, तेरी जय जयकार करते, क्योंकि तू बेहद मुबारकबाद के लायक है, तू बेहद खुदा जय जयकार के लायक है, क्योंकि तू ही कुदरत वाला खुदा है, तू ही अजमत हिशमत जलाल के कुदरत के लायक हुआ, कोई तेरी मंद है ही नहीं है, ना ज़मीन, ना ज़मीन के नीचे, ना आसमान, ना आसमान के, जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ करने में कादर खुदा है, वो रब्बुल फाज, उसका नाम है खुदा यसु नासी, वो तू ही है। तेरे कान हमारी दुआओं पर लगे, तेरा दिल हमारी तरफ आ गया और हम तेरा शुक्र, तूने कहा यकीन जानो कि मैं यहाँ मौजूद, तू यहाँ मौजूद है, तेरा दाना हाथ हम सब पर बढ़ गया। आज की खुदा हमारी छोटी सी मंडली में तुम्हारे साथ हो जा, इस हमारी फरियादें, हमारी इल्तिजाएं, हमारी मुनाजातें, हमारी से तेरी पाक बारगाह में बखूर की तरह, सख्त निकलबानी की तरह, अच्छी निकलबानी की तरह पहुंचे। ये सब कुछ तेरे आला बुलंद अजीम कुदरत वाले नाम, सोने नाम, जलाली नाम, सब नामों से ऊंचा नाम, खुदा यीशु मसीह नाम के वसीला से हमने मांगा। और आज यकीनन तू एक एक को बरकत देगा, आज यकीनन तू एक एक पर अपना जलाली हाजिर किया, आज यकीनन तू खुल के हम सबको अपनी जलाली कूद से माला माल करेगा। और हम तेरे जिस तरह तूने डैनियल को, जिस तरह तूने यूना को, जिस तरह तूने एलिया को, जिस तरह तूने मूसा को, जिस तरह अपने बंदे यकूब को तूने अपनी कुदरत से, अपनी कुवत से, अपने मसा से, अपने पतरस को अपनी पाखरू की कुवत से भरा, उसी तरह आज तू हम सबको भर दिया। पाखरू तू आ मेरे तन मन धन में तू बच जा, पाखरू तू आ मेरे जेर ख्याल सोचों में बच जा, पाखरू तू मेरा मुंह बन जा, मेरी आवाज बन जा, मेरी कूद बन जा, मैं ना रहा बल्कि यीशु तू मुझे रहा, मेरे होठ का तू चार ले। ये सब कुछ तेरे मुकद्दस अजीम बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह नाम के वसीला से मांगा। और खुदा के बेटे बेटी ने कहा, यह खुदा यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आज कितने लोग हैं खुदावंद के इस मुकद्दस कलाम के लिए, जिस तरह डैनियल नबी दुआया आदमी था, आप सब दुआया लोग हैं, आप सबके सबके ऊपर खुदा ने अपने जलाली कान लगा के रखे हुए हैं। जबूर 119 उसकी 32 आयत में, मेरी तरफ मतवज्जो कर और मुझ पर रहम फरमा, जैसे तेरे नाम से मोहब्बत रखने वालों का हक है। हालेलुया। उसने मेरी तरफ आपकी तरफ मतवज्जो की, रहम किया। और हम अपने खुदा खुदा से कहते हैं, जबूर 119 उसकी 145 आयत और उसकी 146-147 आयत में लिखा हुआ है, मैं पूरे दिल से दुआ करता हूँ, ऐ खुदा मुझे जवाब दे, मैं तेरे आइन पर अमल करूँगा, मैंने तुझसे दुआ की है, मुझे बचा ले
और मैं तेरी शहादतों को मानूंगा। मैंने पांव फटने से पहले फरियाद किया, मुझे तेरे कलाम पर इत्माद है। वो खुदावन जिसको डैनियल को खुदा के ऊपर इत्माद था, खुदा के ऊपर इत्काद रखता था, खुदा के साथ वफादारी से चलता था, खुदा की एक एक बात पर राहों पर चलता था और खुदा उसे अपने जलाल के लिए बड़ी कसर से इस्तेमाल करता था। काफ़ी देर का वाक्या है, डैनियल की किताब में लिखा है दो बाप उसकी 17 में कि डैनियल खुदा राजों का खुदावंद है। बादशाह ने उस ज़माने में नबूकदनेज़र ने एक रोया देखी और खुदा ने उसे रोया दिखाई और उसने तमाम बाबल के हकीमों, फालगिरों, जादूगरों, तमाम लोगों को इकट्ठा किया और उन सबको बोला, मैंने एक रोया देखी है, वो रोया भी तुम बताओगे और उसकी तबीर भी तुम बताओगे, नहीं तो मैं सबको कत्ल कर दूंगा। ये बात डैनियल के पास भी पहुंची, जो इन 4 तारीख उसने सबको मना दी कि कहा कि सारे तो उन्होंने कहा कि एक शख्स है जो राजों को जानने वाला है, बिल्तिसर यानी डैनियल, वो खुदा का बंदा है। वो सारे को उस डैनियल ने मैसेज भेजा, बादशाह को बोलो कि मैं हम इस रोया को और इस बात को खुदा के आगे पेश करेंगे और डैनियल ने वो चैलेंज कबूल किया। कलाम में लिखा हुआ है कि डैनियल अपने घर जाकर मिन्ताया और मसाया और अजराया और अपने रफीकों को इत्तला दी ताकि वो इस राज के इस राज के सबब में आसमान के खुदा से रहमत और रहमत तलब करें कि डैनियल और उसके रफीक बाकी हकीमों के साथ हलाक ना हों, बल्कि रात को ख्वाबों में डैनियल जब वो सब बैठ गए तो डैनियल ने अपने रफीकों से कहा, मेरी इस बात सुनो, आइए हम सब खुदा के पास रोज़ा रख के बैठ जाएं। वो तीनों चारों आदमी खुदा के हजूर में गिड़गिड़ा के बैठ गए और खुदा के आगे उन्होंने तो बरक मांगी कि खुदा इस बादशाह के इस मुश्किल रोया को तू हम पर अयां कर दे और तू इसका राज हम पर खोल दे। और खुदा ने उसी रात वो सारा राज उसके ख्वाबों का और उसके सारी चीज़ों का खुदा ने उस पर दरवाज़ा खोल दिया। उसने लिखा है, आसमान के खुदा के नाम को मुबारक हो जिसने ये सारे राज खोल दिए। जब खुदा ने उसके आगे सारे राज खोले तब डैनियल ने आसमान के खुदा को मुबारक कहा। डैनियल का खुदा उनका नाम मुबारक हो क्योंकि हिकमत और कुदरत उसी की है, वही वक्तों और ज़मानों को तब्दील करता है, वही बादशाहों को मसूल और कायम करता है, वही हकीमों को हिकमत और दानिश मंदों को दानिश बख्श अनायत करता है, वही गहरी और पशीदा चीज़ों को ज़ाहिर करता है, जो कुछ अंधेरे में है वो उसे जानता है और नूर उसके साथ है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी सताइश करता हूँ, ऐ बाप मेरे बाप दादा के खुदा, मैंने हिकमत और कुदरत, ऐ खुदा जिसने मुझे हिकमत और कुदरत और बख्शी है, जो कुछ हमने तुझसे मांगा तूने मुझ पर ज़र कर दिया। खुदा ने उसको वो सारा बेद ज़र कर दिया और खुदा ने जब उसके पर सारे बेद खोल दिए तो उसने अय्यूब को मैसेज भेजा कि जाके बादशाह को बोल कि हम खुदा कि हम इसके सारे भेद की पूरी खुदा के हजूर इस रोया को खोल देंगे। बादशाह के पास गए, बादशाह बड़ा खुश हुआ उसको देख के और उसने कहा 27 आयत में, दूसरा बाप उसकी 27 आयत में लिखा हुआ है, लेकिन आसमान पर एक खुदा है जो राज की बातें आश्कार करता है और उसे नबूकदनेज़र बादशाह पर ज़ाहिर किया है। खुदा ने वो सारे ख्वाब ख्वाब सारी रोया जो जितनी थी खुदा ने सारी की सारी उसने बताया डैनियल के खुदा ने किस तरह उस पर खोली। ये को मेरी हिकमत नहीं है, मेरी कुछ नहीं है, लेकिन मेरा खुदावंद ज़हयात से ज़्यादा हिकमत है, बल्कि ये कि वही तबीर और बादशाह से बयान की जाए और अपने दिल के तसव्वुरात को पहचाने। और अब बादशाह तूने एक बड़ी मूरत देखी, वो बड़ी मूरत जिसकी रौनक नहायत ज़्यादा थी तेरे सामने खड़ी है और उसकी सूरत हैबतनाक थी और सूरत का सर
खालस सोने का और उसका सीना और उसके बाजू चांदी के और उसके सिकम और उसकी रानें तांबे की और उसकी टांगे लोहे की और उसके पाँव कुछ लोहे के और कुछ मिट्टी के। ये बादशाह ने ये ख्वाब देखा जो खुदा ने उसके अबर आगे खोल दिया था। जब बादशाह सिर तो लग के पाँव तक लरस गया, खुदा ने उसके आगे सारे राज खोल दिए और डैनियल ने खुदा का शुक्र किया। बादशाह ने जब उसने सारा खोल दिया, तमाम हकीमों को बचा दिया, डैनियल को कत्ल करने से बचा दिया। इसलिए मैंने ये फरमान जारी करता हूँ कि कौम या उम्मत या अहले लुगत या ये सारी चीज़ें जितनी हैं, खुदा ने उसके अकबर कहा कि इसके लिए बड़ा नाम लाओ और आसमान से इसके गले में तौक डालो और मैं इसको पूरी जितने भी हकीम हैं इन सब पर इसे सरफराजी देता हूँ ताकि ये लोग जाने कि यही सब का वजीर आला होगा, यही सब का होगा। डैनियल ने कहा, फिर हकीकत तेरा खुदा महबूदों और महबूदों का बादशाह, खुदा मतलब वेदों का खोलने वाला है, क्योंकि तूने इस राज को खोल सका। तब बादशाह ने डैनियल को सरफराज किया और उसे बहुत से बड़े तोहफे अता किए और उसको बाबल के तमाम सूबा पर फरमा रवानी बख्शी और बाबल के तमाम हकीमों पर हुक्मरानी अनायत की। जब उसने ये सारा बेद खोल दिया, खुदा ने देखे वो खुदा जो कुदरत वाला खुदा है, बहुत जगह पर लिखा हुआ है वही सरफराज करता है, वही पस्त करता है, वो जिंदा खुदा है। और क्या लोगों ने कहा, डैनियल का खुदा हमारा खुदा है। तमाम हकीमों ने, तमाम पब्लिक ने जब सारा ये राज जो बादशाह बताता नहीं था सब कुछ खुल गया, तो उन सब ने खुदावंद खुदा के आगे कहा कि डैनियल का खुदा हमारा खुदा। खुदा ने एक उसी को नहीं है, खुदा उसने बड़े बड़े तोहफे दिए। उसने बोला तू अपने पास कहते नहीं नहीं तुझे जो भी चाहिए हम तुझे, क्योंकि तू मेरी सल्तनत है सरफराज हुआ, तू तेरे अंदर खुदा की रूह है। आज खुदा अपने लोगों को यही कहता है कि आप खुदा के साथ चलें, दिल से रूह से जान से उसके दुआया बेटे बन जाएं, उसके साथ चलें, दिन रात उसको उसकी बातों में रहें, दिन रात उसके साथ काम काम काम, लेकिन काम खुदा जो आपको काम करने की तौफीक देता है, जिंदगी देता है, सांस देता है, सब कुछ देता है। आपने देखा कि डैनियल को खुदा ने बड़ा अराक में सरफराज किया था, हालांकि वो सीर होके सब वहां पर गए थे, और डैनियल को और उसके रफीकों को खुदा ने वहां पर गवर्नर बना दिया था। फिर डैनियल पर दोबारा आफत आई, फिर जो दूसरा बादशाह आया नबूकदनेस्सर, उसने कहा कि जो कोई भी मेरी मूर्ति को सीधा ना करेगा उसको शेरों की मांग में डाला जाएगा। देखिए आफतें भी आती हैं, मुसीबतें भी आती हैं। मैंने पिछली दफा भी बताया कि मेरा खुदा आंधी और तूफान में हमारे पास आ जाता है, हर मुश्किल में हमारे पास आ जाता है। और खुदा ने जब डैनियल ने यह हुक्मनामा सुना और उसने देखा कि वो निश्ते पर साइन हो गया, डैनियल ने अपने रूम में अपने आप को बंद कर लिया। दिन में 3 दफ़ा खुदा के हुजूर दुआ कर रहा था और उस खिड़की का दरवाज़ा हैकल की तरफ खुला था और दिन रात उस खुदा से जहाँ पर सुलेमान ने दुआ की थी, ए खुदा कोई भी जब मुसीबत में होगा, जब तेरी तरफ रुख करके इस साइकिल की तरफ रुख करके दुआ करेगा, तू उसकी दुआ सुनना, तू उसे जवाब देना। अब डैनियल के लिए भी लोगों ने जाके उसके जो लोग जलसी करते थे, स्पिरिट ऑफ जलसी थी उनमें, उसके साथ के जो वजीर थे उन्होंने बताया कि ये खुदा बड़ा बादशाह के नज़दीक है, आज इसको फंसवा दो। आज बादशाह को ये उन्होंने जो दिया था कि तेरी मूर्ति को ये सीधा नहीं करता, तेरी मूर्ति की तरफ ये देखता नहीं है, ये दुआ करता है अपने कमरे में, बादशाह को ऑर्डर आया कि इसको पकड़ के लाओ। डैनियल गया और डैनियल को उन्होंने बताया कि डैनियल बोला देख बादशाह, मैं अपने खुदा को सिर्फ सीधा करता हूँ, मुझे और कोई ऑर्डर नहीं है कि मैं किसी, मेरे अपने खुदा में खुदा की बात मानता हूँ और उसकी तरफ देखता हूँ। बादशाह ने बड़ी मुश्किल से, बादशाह ने बड़ी कोशिश की, वो डैनियल की बड़ी फेवर करता था। कलाम में लिखा हुआ कि बादशाह ने रोज़ा भी रखा, सारी रात बादशाह सोया नहीं, म्यूज़िक भी बंद कर दिए और खुदा ने उन्होंने कानून के मुताबिक डैनियल को शेरों की मांद में डाल दिया। लेकिन उसको एक पता है कि डैनियल का खुदा जिंदा खुदा है जो शेरों के मुंह भी बंद कर सकता है। डैनियल को जैसे अंदर भेजा, खुदा ने शेरों के मुंह बंद कर दिए
उनके ऊपर गहरी नींद भेज दी। वो सब डैनियल के साथ लेट गए। डैनियल ने एक शेर को अपने तकिए के नीचे रख के डैनियल सारी रात सोया रहा। अगली मॉर्निंग बादशाह आया। उसके बाद डैनियल, खुदा के बंदे, तेरा खुदा फतेहमंद बादशाह सलामत रहे, तेरे बंदे को कुछ भी नहीं कहा, खुदा ने शेरों के मुँह ही बंद कर दिए। उसने बोला निकालो डैनियल को, जल्दी नहीं निकालो। उन सब के घरों को खुदा ने, उन्होंने बादशाह ने मजबूला बना दिया और उन सब लोगों को कत्ल कर दिया जिन्होंने उसके साथ साथ। वो खुदा आज आप सबका खुदा है। इस मुश्किल घड़ी में खुदा आपको हर जगह, हर वक्त, हर मिनट में आपको संभालने में कादर खुदा है। हालेलुया। वो कुदरत वाला खुदा है। वो हर मुश्किल से, हर परेशानी से हमें बाहर निकाल देता है। वह निजात दिंदा है। किस तरह यूना नबी को उसने मुसीबत से, उसने कहा मैं अपनी मुसीबत में अपने खुदा को पुकारा, मैं अपने खुदा से फरियाद की, आसमान से खुदा ने यूना नबी को, जब यूना ने नहायत शिकनी की थी, खुदा का हुक्म नहीं माना था, खुदा ने उसके मछली के पेट में डाल दिया। आप सब अच्छी तरह जानते हैं, उसने मछली के पेट से खुदा माफ़ कर दे, रहम कर दे, कर्म कर दे, अब मैं जाऊँगा तेरा कलाम लोग को सुनाऊँगा, तेरी मनादी करूँगा, अब तू रहम कर दे, अपने बंदे को माफ़ कर दे। खुदा ने से बोला जा, मछली को वाटर दिया, जा इसको जाके वहां पर फेंक कर आ। यूना क्या, उसने मनादी की, नैनवा लोगों ने खुदा से फरियाद की। जब उसने बताया 40 दिन के अंदर अंदर ये नैनवा खत्म हो जाएगा, अगर तुम लोगों ने रिपेंट लगी, अगर तुम लोगों ने तौबा की, अगर तुम लोगों ने अपने गुनाहों को ना छोड़ा। उसने सबने वो सारे गुनाह छोड़ दिए, सारी खताएं, सारी गलतियां, सारी तकसीरें, सारी चीज़ें खुदा ने उन्हें माफ़ कर दी। 3.5 लाख बंदों को खुदा ने माफ़ कर दिया और वो खुद सब खुदा के लोग, नैनवा के लोग उसके बन गए। खुदा हर वक्त, हर सेकंड इसराइल के लिए भी, हम सब मुकदस दीन को लिए, हम सबको, जब भी मैं जब भी पुकारूं तो सुनता दुआ, तू ही मेरी तसल्ली, तू ही मेरा यहोवा। जब भी पुकारूं, जब भी उसके पास आऊं, जब भी उसे आके सीधा करूं, पूरे दिल से, सच्चे दिल से, जिस तरह मैंने कहा कि जब मैंने तुझसे दुआ की मुझे बचा ले, मैं तेरी शहादतों को मानूंगा, मैंने पांव फटने से पहले फरियाद की, मुझे तेरे कलाम पर इतमाद है। दाऊद ने बड़े इतमाद से खुदा से कहा, पांव फटने से पहले, अर्ली मॉर्निंग तड़के में तेनू ढूंढा, यार अब मेरे खुदाया। दाऊद सच्चे दिल से खुदा से दुआ करता था। आज खुदा आपके दिलों, गुर्दों को जानता है, जहनों को जानता है। आप सच्चे दिल से खुदा, खुदा से, रब्बुल फाज़ से, कुदरत वाले खुदा से दुआ करें, वो आपको बचाएगा, वो आपको छुड़ाएगा, ये कोरोना वायरस जड़ से चला जाएगा, फजा में से भी, पूरे बनी नौ इंसान में से भी, पूरे मुल्क में से भी, पूरी दुनिया में से हमेशा के लिए जाएगा, क्योंकि वो मेरा खुदा, वो बादशाहों का बादशाह। किस वक्त फिर एक दूसरी, एक और बड़ी मूर्त बन गई। फिर बादशाह ने कहा इसको सब सीजदा करो। वहाँ पर डैनियल के रफीक सदरक मिसरक अब्दनचू सब काबू में आ गए, वो खड़े रहे। उसने कहा सब इसको, जब करना बजे सब इस मूर्ति के आगे सीधा करो। उन्होंने देखा कि सदरक मिसरक खड़े हैं, अब्दनचू सब खड़े हैं, बाकी सब लोगों ने उस मूर्ति के आगे सीधा किया। तो दूसरे लोग जिन्होंने उनकी शिकायत की थी, उन्होंने कहा ये लोग देख तुझे सीधा नहीं करते, देख बादशाह। और आर्डर था जो इस मूर्ति के आगे सीधा, बुत परस्ती नहायत सख्त गुनाह है, कब्रों को पूजना नहायत सख्त गुनाह है, मंदिरों को पूजना नहायत सख्त गुनाह है, किसी दूसरे महबूब के आगे सीधा करना नहायत सख्त गुनाह है, बारगाह में जो जो लोगों की खानकाहें बनी है उसमें मुर्दों को सीधा करना नहायत सख्त गुनाह है, चांद और सूर्य की पूजा करना सख्त गुनाह है, और जानवरों की पूजा करना सख्त गुनाह है, सांप की पूजा करना सख्त गुनाह है। ये खुदा ने करा, तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी रूह से खुदा मुझे अपने खुदा को सीधा कर, मैं तुझे डबल सरफराजी दूंगा। और मेरा खुदा और छोड़ के कोई खुदा है नहीं इस दुनिया पर, जो देखता भी है, जो सुनता भी है, जो आसमान से एक सेकंड में आपकी दुआ का जवाब देता है, एक सेकंड में आपको, आपकी फरियाद को सुनता है, एक सेकंड में आपके सारे आंसू पोंछ देता है। वो खुदा, उन्होंने उनको बोला इनको जलती आग की भट्टी में डाल दो। लेकिन धन वो और उनका ईमान, उन्होंने कहा बादशाह तू बेशक हमें डाल दे, लेकिन मेरा एक खुदा जिंदा खुदा है जो हमें तेरे इस हाथ से भी, इस आग से भी बचाएगा।
तो मेरा खुदा उस साग की बट्टी में आ गया। बादशाह चला उठा, इस साग की बट्टी में मैंने 3 डाले थे, चौथा किधर से आ गया? इसकी सूरत अलग ज्यादा की है, निकालो इन सबको। जब निकाले ना उनके बाल जले, ना उसके कपड़े जले, ना उनको कुछ हुआ, सूंघ रहे हैं, तो सब लोगों ने बोला सदरक मिस्र का खुदा हम सब का खुदा, और जिस जिसने भी उसके मुतालिक ये सारा कुछ किया था उन सबको बादशाह ने कत्ल करवाया, मरवा डाला, उनको आग की भट्टी में डाल दिया। वो खुदा जिंदा खुदा आपके साथ है। आप जब खुदा के ऊपर भरोसा रखते हैं, खुदा के ऊपर कामल ईमान, मैंने इसलिए रखा कि जब हमारा ईमान डावाडोल नहीं होना चाहिए, हमारे दिल डावाडोल नहीं होनी चाहिए। उसे कहा खुदा पर ईमान रखो, मुझ पर भी ईमान रखो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जहां मैं हूंगा वहां तुम सब मेरे साथ होगे, मैं जीता हूं तो मेरे सारे बेटे जीते रहोगे और मैं आसमान पर तुम्हें लेकर जाऊंगा। इसलिए वो आप सबको अपने पास बुलाता है, यीशु बुलाता तुम्हें, आजा मेरे पास मेरे बेटे मेरी बेटी, तू जिस तरह भी है जैसा भी है सब कुछ मैंने तुझे अपना बेटा बेटी बना लिया है। इस सफरे में दुआया बेटे बन जाएं। जब आप सब उसकी तरफ करेंगे, मेरी तरफ तवज्जो कर, मुझ पर रहम कर, जैसे तेरे नाम लेने वालों से मोहब्बत रखने वालों का हक है, हमारा हक है कि वो हमारा जिंदा खुदा है जिसने अपने कलाम में हमसे कहा कि जो कुछ भी तुम इस ज़मीन पर बांधोगे आसमान पर बंधेगा, जो कुछ भी इस ज़मीन पर खोलोगे वो ज़मीन आसमान पर खुलेगा। मैं तुमसे कहता हूँ ताकि तुम में जब दो शख्स किसी एक बात पर किसी एक पर मुतफिक होएं तो इत्तफाक करें तो वो मेरे नाम मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए सब कुछ हो जाएगा। अब सब मेरे साथ मुतफिक हैं कि मेरे खुदा ने जब दो या तीन मिलके एक बात पर इत्तफाक करें तो वो मेरे आसमानी बाप की तरफ से जो आसमान पर है तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगा। मत्ती की बाप उसकी 22:7 में लिखा है, जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। अज़ाया 14 बाप उसकी 13 में लिखा हुआ है, मेरे नाम से मुझसे कुछ जो कुछ चाहोगे तो मैं वो ही करूँगा। हालेलुया, ये मेरा खुदा आप सबका खुदा आप सबके साथ खड़ा है। इस वक्त वो आप सबको दाऊद नबी जो खुदा का ममसूर था, मैंने कई दफ़ा कहा, उसने कहा 104 ज़बूर और उसकी 33, 33 और 34 आयत में, मैं उम्र भर खुदावंद की तारीफ में गाऊंगा, जब तक मेरा वजूद है मैं अपने खुदा की मदह सराही करूंगा, मेरा ध्यान उससे पसंद आए, मैं खुदा में शादमान रहूं। जब आप अपने खुदा में खुदा को कहेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा, वो आपको आके हगे लगाएगा, मरियम मगदलीनी की तरह उसे जफ्फा लगा लें, यकूब की तरह उसे चूम लें। मरियम मगदलीनी ने देखा ना आखिर तब यीशु जब यीशु जी उठे थे तो कब्रिस्तान जब वो गई थी वहाँ पर ग्रेवयार्ड, आज भी खुदा की कब्र खाली है, उस जगह पर गई थी, जब तक मुझे यीशु ना मिल जाए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। यीशु ने उसे कहा मरियम, उसका रबूनी, उसको श्योरिटी मिल गई, उसको गारंटी मिल गई कि मेरा खुदा जिंदा खुदा है, मेरा खुदा मजीब खुदा है, मेरा खुदा महान खुदा है। और जब उनके ऊपर ईदे 35 कोस के तौर पर ये जबाने नाजर हुई, शोला की तरह फटती जबाने उनके ऊपर नाजर हुई तो सब ने तमाम मुल्कों की लैंग्वेज खुदा ने उन पर जार की, मरियम भी उनके साथ थी, वो सब रूह कुदस से भर गए, रूह कुदस की कुदरत से भर गए और खुदा ने उन सबको बड़ी कसरत से इस्तेमाल किया कि खुदावंद आप सबका खुदा है, वो आप सबको अपनी बरतों से अपनी रहमतों से बरतता है, क्योंकि खुदावंद रब्बुल फाज है। अपने कलाम में उसने कहा 6:18 में, हर वक्त हर तरह रूह में दुआ मिन्नत की मिन्नत करते रहो इस गर्ज से कि तुम जागते रहो कि सब मकसदों के वास्ते बिला नागा दुआ करें।
दिन रात कंस्टेंटली हमने दुआ करनी है खुदा के हुजूर दिन रात। अब देखें कौन से मुल्क में किसी जगह पर कहाँ पर दहशतगर्द हैं, कहाँ पर आफ्तियारियाँ, कहाँ पर सैलाब आ गया, कहाँ पर दुनिया डावाडोल हो रही है, कहाँ पर जंगें चल रही हैं। हमने सब के खुदा के हुजूर में पीस, इत्मीनान, तसल्ली, खुशियाँ सब के लिए मांगनी है। और खुदा का कलाम कहता है यसाया, यसाया नबी की मुझे किताब बड़ी स्पेशली अज़ाया मोज़े, जितनी दुआएं, जितनी फरियादें, जितनी खुदा से दुआ की थी और सारी खुदा ने उसकी सुनी। हिज़किया नबी की खुदा ने दुआएं सुनी, एलिया नबी की खुदा ने दुआएं सुनी, अलीशा की दुआएं सुनी, मूसा की दुआएं सुनी। खुदा हर मुकद्दस दीन की दुआएं सुनता है। उसने अपने कलाम में कहा अज़ाया 65:24 में, यूं होगा कि मैं उनके पुकारने से पहले ही उनको जवाब दूंगा, हनूज वो कह ही ना चुके होंगे तो मैं सुन लूंगा। कितना दयालु, कितना अजीम, कितना महान, कितना नरम दिल खुदा हमारे साथ खड़ा होता है। जब हम उसके आगे हमारा एक आंसू गिरता है तो वो अपना हाथ आगे रख देता है। जब हमारे दोनों आंखों से आंसू गिरते हैं तो खुदा का दिल कायल व पायल आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए हो जाता। वो हम पर रहम करता, वो हम पर तरस खाता, वो हम पर कर्म करता। वो कहते डर मत, खौफ ना कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, ना घबरा, मैं सदा तेरे साथ हूं, हमेशा तेरा साथ हूं, अब्दल बाद तेरे साथ रहूंगा। तू वक्त इतकाद रख, जो कोई इतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो जाता है। आए अपने सरों को झुकाएं, खुदा खुदा के आगे झुकें, और क्योंकि वही हमारा खुदावंद है। जब तुम मेरा नाम लोगे, मुझसे दुआ करोगे, मैं तुम्हारे पास, खुदा बाप कदूस 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 रब्बुल पाज, तेरे इस कलाम, तेरी इस गहरी बातों के लिए, तेरे इस गहरे वेदों के लिए तेरा बंदा दिल की गहराई से तेरा शुक्र करता है। डैनियल की तरह हमें कामल ईमान से मजबूत करते, यकूब की तरह, मूसा की तरह, सदरक मिस्रक की तरह, हर मुसीबत में साधु सुंदर की तरह हमारे दिलों को मजबूत कर। जब भी पुकारें तू मेजरली जवाब देता है और हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा बाप तेरे तमाम मुकद्दसीन के साथ हम मिलकर इस कोरोना वायरस को जड़ से निकाल दें, फजा में से खत्म कर दे, तमाम बड़ी नौ इंसान में से खत्म कर दे, और जितने भी बेरोजगार लोग हैं आसमान से उनके लिए सब दरवाजे खोल दे, जितने भी फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं आसमान से अपने अलाई खजाने से मेरे बेटे बेटियों को मुहैया कर दे, जितने लोग जो कोरोना वायरस में मुबतला हैं अभी और इस वक्त यीशु नासीना में इसलिए शवाब है, तमाम दुनिया में से ये कोरोना वायरस जड़ से चला जाए और बड़ी नौ इंसान तेरी हम करे, तेरी तारीफ करे, तमाम डर और खौफ इनके बीच में से हमेशा के लिए चला जाए। अब कभी कोई नागा नहीं आफत रहा है, ये जाने कि तेरी सुपर नेचुरल पावर क्या है, तेरा सुपर नेचुरल एंगर क्या है। खुदा हम तेरा शुक्र, तूने बड़ी नौ इंसान को सिखाने के लिए बहुत कुछ कर दिया। जिनके घरानों में घरेलू झगड़े चल रहे हैं, अपना दाना हाथ बढ़ा के उनके बीच में मियाँ बीवी में तू इंटरफेरी कर, उनके बीच में तेरा प्यार महके, तेरी तूने उन्हें जोड़ा, अब तक जुड़े रहें, हमेशा तक जुड़े रहें, आसमान से कोई शैतानी पुत्र उन्हें जुदा ना कर सके। किसी भाई की बीवी को बड़ी कपकपी, हाथ कांपते हैं, पाँव कांपते हैं, खुदा उसे कमल शिफा दे रहा है। किसी को दांतों का इन्फेक्शन है, खुदा उसके दांतों को, इन्फेक्शन को बिल्कुल ठीक कर रहा है। किसी को होठों का कैंसर है, खुदा उसके होठों को बिल्कुल ठीक कर रहा है। किसी को स्टमक में अल्सर है, खुदा उसके, कोई अपनी नौकरी के लिए बड़ा परेशान है, उसके ऊपर कोर्ट केस बना हुआ है, खुदा उसे रिहाई बख्शता है, कामल कामल तौर पर वो उस जगह पर वो जीत जाएगा, खुदा उसके साथ खड़ा है। थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू। राजों को खोलने वाला खुदा है तू, खुद तू डालिया का खुदा, तू मेरा खुदा, तू सदर में से हम सब का खुदा, हम तेरा शुक्र, तुझे धन, तुझे मुबारक, तू सब कुछ इस बड़ी नौ साल पर हम पर सब पर रहम करता है।
अपना रह वाला हाथ, अपना कर वाला हाथ, एक एक बेड़े बेड़ी बनूड़ा। ये हाउस ऑफ प्रेयर तेरी बारगाह में अब तक कायम रहे, हमेशा तक कायम रहे, पूरी दुनिया में हमारी फरियादें जाएं और सब लोग हमारे साथ मिलके तेरी बारगाह में फरियादें उठाएं और ये दुनिया जीत ले जाए, हर जबान तेरा इकरार करे, हर घुटना तेरे आगे झुके कि यीशु नासरी खुदा में खुदा है। इसलिए हम तुझे धन्धन कहते, तुझे मुबारक कहते, क्योंकि तू ही दुआओं को जवाब देता, तू ही फरियादों को सुनता, तू ही इल्तिजाओं पर कान लगाता, तू ही मेजरली दरखास्तां तेरिया मैं पी कर कबूल, सयुन विचो तेरा खुदा हैकल तो तेनू गलू, मैं तेरे वास्ते मदद पूरा करूँगा, मैं तेरा मतलब जा छोटा सा लेकर बड़ा तक मतलब तुम्हारा पूरा कर देता है। इसलिए हम तेरा शुक्र करते, तुझे धन्धन कहते, तुझे मुबारक कहते हैं। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा मंद यीशु मसीह नाम के वसीला से मांगा और पाया। खुदा के बेटे बेटी ने कहा यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। खुदा मंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है ये इस दुआ में दूसरों को भी इनवाइट करें, वो सब आएँ और शरीक हों। और ट्यूसडे की इबादत हमारी ठीक 7:45 से लेके 7:30 तक है होली ट्रिनिटी चर्च में। आप सब आएँ, दूसरों को भी लेकर आएँ और ये लाइव हम आ रहे हैं, आप देखें। और जुमे कोई बड़ा पावरफुल मैसेज होगा, आप ठीक 9 बजे देखें। खुदा मुझे आप सबको बरकत दे, आपकी सलामती हो और हमेशा ज़िंदा रहें, खुदा में खुदा के साथ रहें और ज़िंदगी पाएँ, कसरत की ज़िंदगी पाएँ, क्योंकि मेरा खुदा यही चाहता है कि आप सब ज़िंदगी पाएँ, कसरत की ज़िंदगी पाएँ। खुदा मुझे आपके साथ हो। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।